स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज में, मैं आपके साथ मोहम्मद नासी। बड़ी खबर यह है कि 2000 के नोटों को आरबीआई ने कर दिया है बैन, और आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोटों को हम विद्रॉ कर रहे हैं। तो इस खबर से पूरे देश भर में खलबली मची हुई है कि 2000 के नोट को बैन कर दिया गया। इससे पहले भी नवंबर 2016 में नरेंद्र मोदी ने आकर के 500 और 1000 के नोटों के बैन की खबर सुनाई थी, जिसके चलते पूरे मुल्क भर में सब लोगों को लाइन में लगना पड़ा था। लेकिन उसी तरह से 2000 के नोटों को भी आज बैन कर दिया गया आरबीआई की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन क्यों किया गया है यह वजह जानना जरूरी है। लेकिन बैन तो कर दिया गया है, लेकिन ये नोट अभी चलते रहेंगे। ये कब तक चलते रहेंगे इसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे। आरबीआई ने इसको क्यों बंद किया है ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे ही आरबीआई ने ट्विटर हैंडल पर अपना एक ट्वीट जारी किया कि 2000 के नोटों को हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो पूरे ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और हर सोशल मीडिया के अकाउंट पर मेम्स बनना शुरू हो गए, और मेम्स के साथ साथ कई तरह के वीडियो भी बनना शुरू हो गए। लेकिन आरबीआई ने इन 2000 के नोटों को क्यों बंद किया है आइए जानते हैं। आरबीआई ने खुद अपनी एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अंदर आरबीआई ने खुद बताया है कि हमने इसे क्यों बंद किया है। सबसे पहले आरबीआई ने अपनी गाइडेंस में ये लिखा है कि नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से यहां पर एक 2000 के नोट का नया जन्म हुआ था। इसलिए जन्म हुआ था क्योंकि 500 और 1000 के नोट बंद होने की वजह से करेंसी के अंदर काफी दिक्कत महसूस हो रही थी, जिसके लिए इस करेंसी को स्पीड बढ़ाने के लिए 2000 के नोट को जारी किया गया। लेकिन ये 2000 का नोट 4-5 साल के वक्फे तक चलता रहा, उसके बाद 2000 के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई। आरबीआई का कहना है कि 2016 से लेकर के 2017-18 तक हम इसको चलाते रहे, उसके बाद हमने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी। आरबीआई वालों ने बताया कि इसका कारण यह है कि 2017 से पहले 89% यानी कि 89% 2000 के नोट बन चुके थे, और पूरे मुल्क भर में 673,000,00,000 रुपीज के नोट सर्कुलेशन में चल रहे थे। फिर वो धीरे धीरे आते आते 2018 तक वो कम हो गए, और आखिरकार 31 मार्च 2023 तक सिर्फ 3,00,00,000 के करीब नोट सर्कुलेशन में नजर आ रहे थे, जिसके कारण बैंकों के अंदर कई तरह से 2000 के नोटों का स्टॉक पड़ने लगा, जिसकी वजह से पूरे आरबीआई वालों को और बैंकों को काफी दिक्कत महसूस होने लगी, जिसकी वजह से आखिरकार आरबीआई ने फैसला लिया कि 2000 के नोटों को बंद करना जरूरी है। तो इसलिए आरबीआई ने 2000 के नोटों को तो बंद कर दिया, लेकिन आप घबराइए मत, पूरी तरह से 2000 के नोट अभी तक बंद नहीं हुए। आरबीआई वालों ने कहा है कि आपके पास अगर 2000 का नोट है तो आप कोई भी बैंक के कोई भी ब्रांच में जाकर के इसका एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी मुद्दत भी आरबीआई वालों ने तय की है कि 23 मई से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक आप किसी भी ब्रांच के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के इन नोटों को बदलवा सकते हैं और इसका एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक और शर्त लागू की गई है कि 2000 के नोट एक दिन में 20,000 से ज्यादा एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक दिन में आप 20,000 से ज्यादा नोट एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से बंद नहीं हुए, सिर्फ विद्रॉ किया गया है और प्रिंटिंग बंद की गई है। 2018 में ही इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी, जिसके कारण आप 2000 के नोट कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन लीगली तौर पर पूरी तरह से इस बार इसको बैन करार दिया गया है, लेकिन ये 30 सितंबर तक चलते रहेंगे। 30 सितंबर के बाद आपका ये नोट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा रह जाएगा। लेकिन इससे हिंदुस्तान में क्या फर्क पड़ेगा? नोटबंदी से भी हिंदुस्तान की अवाम को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, अब क्या फिर से 2000 के नोट को लेकर के क्या लाइन में लगना पड़ेगा कि हमें एक्सचेंज दो? ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहें आई टुडे न्यूज।